तथागत, अरहंत, सम्यक संबुद्ध, अनुत्पन्न मार्ग को उत्पन्न करने वाले होते हैं, अनजाने मार्ग को जानने वाले होते हैं, अनख्यात मार्ग को अख्यात करने वाले होते हैं, मार्ग ज्ञाता होते हैं, मार्ग बिंदु होते हैं, मार्ग कोविंद होते हैं। दिन, महीने, साल कुछ समय में बीत जाते हैं, लेकिन ज्ञान की धारा कभी रुकती नहीं। धर्म अनेक उत्पन्न होते हैं, लेकिन धम्म नहीं, क्योंकि सभ्यता एक ही होती है, सिर्फ लोग नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो या फिर स्मारक हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे अनदेखे बौद्ध स्थल जो प्राचीन भारत की यानी कि प्राचीन जम्बूद्वीप की पहचान हुआ करते थे, ऐसे बौद्ध स्थल यह जो बोधिसत्व चैनल है आपको दिखा रहे हैं। हम जानकारी ले रहे हैं तेलंगाना इस राज्य के, और तेलंगाना राज्य के ये जो अनदेखे बौद्ध स्थल है ये आपको दिखा रहे हैं। आज का यह जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर वे आपने अभी तक नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें। आज का यह जो वीडियो है तेलंगाना राज्य के जनगांव नाम का जो जिला है, जनगांव नाम के जिले में, यहाँ पर इटरू या फिर इतरू कहते हैं, यहाँ पर इटरू, यहाँ पर जो स्थल है जहाँ पर आपको लेके जाने वाले, यह पहले दफ़ा है इस स्थल की जानकारी आपके सामने आ रही, जिसका नाम है गजुला बंदा। यह जो गजुला बंदा बौद्ध स्थल है, यहाँ पर एक प्राचीन बौद्ध स्मारक के जो अवशेष है आज भी अपनी जो गवाही है या फिर अपना जो इतिहास है यहाँ पर चीख चीख कर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्थल की हम जानकारी लेंगे, यहाँ पर ये बौद्ध स्तूप देखेंगे, महाकाय था जो शेष बचा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्मारक था भव्य दिव्य वह भी हम देखेंगे। तो इस स्थल तक हम चलेंगे, यहाँ तक जाने के लिए देखिए आप बाय बस आ सकते हो या फिर आपके वैयक्तिक वाहन का इस्तेमाल कर आप सूर्यापेट से यहाँ तक आ सकते हो, ये गजुला बंदा यहाँ तक, और गजुला बंदा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर फनीगिरी नाम का जो स्थल है, फनीगिरी, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह स्थल भी है, इसकी जानकारी आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर मिलेगी। तेलंगाना राज्य के बुद्धवनम प्रोजेक्ट के स्पेशल ऑफिसर मलेपल्ले लक्ष्मण साहब, इनकी बोधिसत्व इस चैनल को हमेशा सहायता मिलती है, और इनकी सहायता के बदौलत हम ऐसे अनदेखे बौद्ध स्थलों तक पहुंच पाते हैं, जहां पर हमें कभी कभार ऐसे मतलब हम दूसरे राज्यों में जाकर कार्य करते हैं तो यहां पर दिक्कतें आती है, तो यहां पर इन सभी के सहायता से हमें बहुत ही मतलब यहां पर हम पहुँच पाते हैं। तो आज का यह जो वीडियो है, ये जो गजुला बंदा है, यहाँ तक हम चलेंगे और इस स्थल की जानकारी हम आपके सामने पहली बार साझा कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। गजुला बंदा, यह स्थल करीमनगर और हैदराबाद से 150 किलोमीटर की दूरी पर और सूर्यापेट से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बौद्ध स्तूप अलेरू नदी के तट पर और इटरू गांव के पास बसा हुआ है। यही से 3 किलोमीटर की दूरी पर फनीगिरी, यह महाकाय बौद्ध स्थल बसा हुआ है। इन दोनों स्थलों को देख यह प्रतीत होता है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में बहुत बड़ा बौद्ध धम्म का केंद्र रहा होगा। तेलुगु मिट्टी में बौद्ध धम्म ने अपनी जड़ें किस कदर गढ़ी थी, यह आने वाले वीडियो के जरिए आप देख पाएंगे। बहरहाल हम इस अनजान स्थली तक आए हुए हैं। हमारे
गजुला बंडा यहाँ पर, और गजुला बंडा यहाँ के प्राचीन बौद्ध स्तूप की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मेन रोड से, कैनल से एक आया हुआ एक रास्ता है जो कि कच्चा रास्ता है, और इस कच्चे रास्ते से हमारी फोर व्हीलर जो है आगे जिस पहाड़ी पर यह जो स्तूप स्थित है, जो स्मारक स्थित है, वहाँ तक जा सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर बारिश हुई थी और बारिश के कारण थोड़ा सा जो रास्ता है हमें यहाँ पर देखिए पानी जमा हुआ है, इसके कारण हम आगे तक अपना वाहन नहीं लेके जा सकते। तो देखिए अभी तेलंगाना राज्य का ये बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये अभी लगभग आपके सामने कई सारे वीडियो हमने अभी तक रखे हुए हैं। इसके अंदर अमूमन सातवाहन और इक्ष्वाकु जो राजवंश है इनके द्वारा निर्माण किए गए जो स्मारक यहाँ पर स्थित है, जिसके मतलब यहाँ पर देखो कुछ कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा जो है वह मुहैया नहीं कराएगी है। मतलब हम देखेंगे यहाँ के बौद्ध स्थल क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज जो है इसका संरक्षण न होने के कारण यह कई तो अपना अस्तित्व जो है हमें खोते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ से हमें पहाड़ी नज़र आएगी, लगभग हमें अभी 300-400 मीटर चलना पड़ेगा और इस पहाड़ी के ऊपर ही स्मारक स्थित है और वहाँ पर एक मंदिर भी है, तो देखेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। देखिए यहाँ पर रास्ता बहुत कठिन है थोड़ा सा, ये देखिए अभी हम ये जो स्मारक है ये जो यहाँ का बौद्ध स्तूप इसके पास आए हुए, और देखिए यहाँ पर एक मंदिर भी है सामने की दिशा में। कैनल से काफ़ी नज़दीक ये स्थली है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग आते नहीं शायद से। अब यहाँ पे सारा मलबा देख पा रहे हो, शायद से यहाँ पर जो स्मारक है, स्मारक का मलबा जो है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बिखरा हुआ है। ये देखे ईटाएँ, देखिए ये पूरा स्मारक था, यानी कि यहाँ पर स्तूप हो और साथ ही साथ चैत्य हो या फिर विहार हो, ये यहाँ पर स्थित थे। यह सारे उसके जो अवशेष है हमें यहाँ पर बिखरे हुए दिखाई देंगे। देखिए बड़े बड़े पत्थर हैं। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये बहुत बड़ा एक स्मारक है, और इस स्मारक के ऊपर के हिस्से में अभी हम आए हुए हैं। देखिए इस प्रकार से ये पूरा स्मारक जो है बिखरा हुआ है। इसके नीचे चैत्य हैं और विहार है। देखिए यहाँ पर देखिए हम आए हुए हैं जनगांव ज़िले के इतुरु नाम का जो मंडल है यहाँ पर, ये गुजला बंदा नाम की जो जगह है जो कि तेलंगाना राज्य में है यहाँ के स्मारक पर। तो देखिए यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा उत्खनन कार्य हुआ है सन 1979 और 1980 यहाँ पर, इस साल में यहाँ पर उत्खनन कार्य जो है वो किया गया था। यहाँ पर से महत्वपूर्ण अवशेष, यानी जिस प्रकार से अन्य जो स्थल है मतलब बौद्ध स्थल है वहाँ पर से जो अवशेष पाए जाते हैं, आइका पिलर हो या फिर यहाँ पर से जो कॉइन है, सिक्के हैं, सिक्के यहाँ पर से बरामद किए गए थे। देखिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और बहुत बड़ा जो स्मारक है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो सारी विरासत है आज से 2000 वर्ष पूर्व ये सारी इस विरासत का निर्माण किया गया था।
यहाँ पर देखें, अभी आप मेरे सामने यहाँ पर यह महास्तूप देख पा रहे हो। यह 9.60 मीटर इसका डायग्राम है और बहुत ही विशालतम ऐसा ये जो बौद्ध स्तूप है ये आप देख पा रहे हो। इसका सर्कल देखिए, यहाँ पर से आपको क्लियरली दिखाई देगा। स्तूप की नींव देखिए, आपको यहाँ पर से दिखाई दे रही होगी, विशाल है बहुत ही। देखिए लगभग मतलब 31 फीट इसका व्यास है, इतना बड़ा देखिए स्तूप। देखिए यहाँ पर से, और जिस प्रकार से हमने आंध्र प्रदेश राज्य में जितने भी अभी तक बौद्ध स्तूप देखे हैं उनमें शिल्प हुआ करते थे, जिस प्रकार से इसका यहाँ पर जो पाया गया, मतलब श्रीवत्सा नाम का जो सिंबल है प्राचीन काल का, श्रीवत्सा हो या फिर शंख हो या फिर स्तूप हो, स्तूप अंकित किए गए जो शिल्प पैनल है यहाँ पर से पाए गए थे। देखिए यहाँ पर से हम जो स्तूपों के मतलब ये देखते हैं एंट्रेंस, तो यहाँ पर स्तूप का जो एंट्रेंस है वह रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है इसका स्तूप के यहाँ पर, और इसका परिक्रमा जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से ढह चुका है। देखिए ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, जिस प्रकार से हमने आंध्र प्रदेश राज्य हो या फिर तेलंगाना में के अन्य स्तूप देखे, ठीक उसी प्रकार का यह स्तूप है। और इस स्तूप में भी शायद से उस समय पर प्राचीन काल में धातु रहे होंगे, और वह जो धातु है शायद से कालांतर में एक तो मानवीय हानि के वजह से वो नष्ट हो गए होंगे या फिर नैसर्गिक आपत्ति के कारण उन्हें हानि पहुंची होगी, लेकिन ऐसा लगता है इसको इसका जो मतलब हमने जितना भी अभी तक स्टडी किया है तो यहाँ पर यह मानवीय मतलब मानवों द्वारा जो है इन ईटाओं का जो इस्तेमाल है घर बनाने के लिए या फिर इमारतें बनाने के लिए उस समय पर मतलब आज से 200-300 साल पहले किया गया होगा। इस कारण यहाँ पर ये जो स्मारक है इस प्रकार से ये अति विशाल ऐसा जो बौद्ध स्तूप है जिसके अंदर तथागत भगवान बुद्ध हो या फिर उस समय के अरहंत बौद्ध भिक्खु हो, इनके पवित्र धातु इनमें रखे जाते थे, ये आज इस प्रकार से वीरान हमें दिखाई देते हैं। ये देखिए पूरा स्तूप आप देख पा रहे हो और इसके नींव आप देख पा रहे हो, बहुत ही भव्य और बहुत ही लाजवाब ऐसा यह स्तूप है। और यहाँ पर से जो सिक्के पाए गए थे, यह सातवाहनों के सिक्के पाए गए थे, ईसवी सन पहली शताब्दी और इस और दूसरी शताब्दी के यहाँ पर से कॉइन बरामद किए गए थे। यह स्तूप है, यहाँ पर यह स्मारक है। देखिए यहाँ पर चैत्य स्तूप भी थे, अब ये एक विहार है। आप विहार कैसे, मैं आपको आप लंबे से दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्मारक है, इन स्मारकों की पहचान कैसे की जाती है। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, एक आपको कतार दिख रही है, एक स्मारक दिख रहा है आपको लंबा, और यह जो स्मारक है यह एक प्राचीन विहार है, तो प्राचीन मॉनेस्ट्री, एंशियंट मॉनेस्ट्री कहेंगे उसको। और ये जो एंशियंट मॉनेस्ट्री यानी ये जो प्राचीन बुद्ध विहार है, इसकी पहचान कैसे होती है, तो देखिए यहाँ पर अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आपको चौकोण दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर एक सामने दीवार है, यहाँ पर एक दीवार है और यहाँ पर एक दीवार और पिछली वाली लंबी दीवार, यानी एक बॉक्स हो गया। ये एक बॉक्स यहाँ पर सेम, ये दूसरा बॉक्स, ये सेम तीसरा बॉक्स, ये मतलब ऐसे बॉक्स टाइप जो स्ट्रक्चर होता है इसे जो बौद्ध विहार है विहार करके आइडेंटिफाई किया जाता है। और जो स्तूप है, हमने स्तूप तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाते आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर चैत्य भी हो सकता है, खंडित हो चुका है। और यहाँ पर चैत्य की जो नींव है, यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है लगभग डिमोलिश हो चुका है, लगभग डैमेज हो चुका है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रहा होगा, अंदर में इससे बहुत हानि पहुँची। अभी ये एक स्ट्रक्चर है, ये हमें देखिए यहाँ पर से जो स्ट्रक्चर है ये शायद से स्तूप है, एक सर्कल, पूरा सर्कल शेप में है, शायद स्तूप होगा। और यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जो है उत्खनन किया गया है, ये स्तूप ही रहा होगा, जिस प्रकार से वैसे स्तूप है ये स्तूप ही रहा होगा। जो स्ट्रक्चर है अन्य जो है वो दिखाई नहीं देता। यहाँ पर देखिए जो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा रिकॉर्ड दिए गए, उन रिकॉर्ड में यहाँ पर चैत्य स्तूप और या फिर विहार और जो स्तूप है उनका जो वर्णन है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया है।
तो ऐसा ये स्थल है और ऐसा ये प्राचीन बौद्ध जो स्तूप है जिसकी जानकारी जो है आपको इस चैनल के माध्यम से पहली बार दी जा रही है। और जो 2000 साल पुराना सातवाहन कालीन पुराना ये जो इतिहास है और ये जो स्तूप है, ये स्मारक, यह आपके सामने रखने की कोशिश ये जो चैनल है ये चैनल द्वारा हुआ है। और इसी प्रकार से इस चैनल द्वारा आपको पूरे तेलंगाना राज्य में जितने भी अनदेखे स्थल हो वह दिखाने का जो प्रयास है ये चैनल करता रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।